जोधपुर में राजस्थान पैरा टीचर शिक्षा कर्मी संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से मंगलवार को कलेक्ट्रेट के बाहर संभाग स्तरीय धरना दिया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री शंभू सिंह मेड़तिया व समिति प्रदेश अध्यक्ष आनंद सिंह नरुका के नेतृत्व में दिया गया। धरने में कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र के तहत पैरा टीचर व शिक्षा कर्मियों को स्थायी करने के वादे को पूरा करने की मांग की गई। इस दौरान समिति प्रदेश अध्यक्ष आनंद सिंह नरुका ने बताया कि पिछले करीब 20-22 वर्षों से अल्प मानदेय में पैरा टीचर शिक्षा कर्मी तृतीय श्रेणी वेतन श्रृंखला के बराबर का कार्य कर रहे हैं। उसके बावजूद भी इनको मानदेय मात्र और मात्र 9,050 रुपए मिल रहा है। इसके अलावा किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जा रही, जिसको लेकर एक दिवसीय धरना देकर मुख्यमंत्री गहलोत को ज्ञापन भेजकर अपने चुनावी घोषणा पत्र को याद दिलाया। 20-22 सालों से अल्प मानदेय में कार्यरत पैरा टीचर शिक्षा कर्मी जो कि एक थर्ड ग्रेड तृतीय श्रेणी वेतन श्रृंखला के बराबर नियमित रूप से सारा काम कर रहा है, उसके बाद भी उनको मात्र और मात्र 9,950 रुपये मानदेय मिल रहा है। उसके अलावा किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। इससे पीड़ित होकर आज एक दिवसीय धरना रखा गया है और माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब को और राजस्थान सरकार को आह्वान किया गया है कि समय रहते और आपने अपने मैनिफेस्टो में नियमित की करने की घोषणा की थी, उसे शीघ्र पूरी की जाए, नहीं तो आने वाले विधानसभा सत्र में हमें मजबूरन महा आंदोलन करना पड़ेगा। मैं आनंद सिंह नरुका, प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान पैरा टीचर शिक्षा कर्मी संयुक्त संघर्ष समिति। पॉपुलर न्यूज ऐप से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन को दबाना न भूले, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।